हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूब चैनल जियोग्राफी ग्रुप इन दिस एपिसोड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लास टेंथ एस सोशल साइंस वर्कशीट नंबर 76 आज की इस वर्कशीट में हमारा चैप्टर रहेगा सेवंथ चैप्टर ऑफ जियोग्राफी लाइफ ऑफ नेशनल इकोनॉमी किसी भी देश की जो इकोनॉमी होती है वो टिकी होती है ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन ट्रेड और टूरिज्म के ऊपर इन सभी को किसी भी देश की इकोनॉमी की लाइफ कहा जाता है In this worksheet, we are going to discuss about the short and the long answer type questions related to all these topics. yani in topics related, chapters related, good short or long answer type questions. will discuss. Let's begin. As it is visible on your screen, this is our worksheet number seventy-six. Subject SST Social Science, in which Geography, chapter number seven, Lifelines of National Economy. We are going to revise. Date. ट्वेंटी थर्ड ऑफ जेन ट्वेंटी ट्वेंटी वन आज की इस वर्कशीट में फाइव प्लस फोर टोटल नाइन क्वेश्चन दिए गए वी आर गोइंग टू बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया डिस्क्राइब द थ्री एडवांटेज ऑफ मास कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और द आइडियाज कम्युनिकेशन क्या होता है आइडियाज को शेयर करना इन्फॉर्मेशन को शेयर करना और ये जो कम्युनिकेशन होता है ये टू टाइप्स का होता है एक तो पर्सनल कम्युनिकेशन होता है इंडिविजुअल कम्युनिकेशन और सेकंड होता है मास कम्युनिकेशन इंडिविजुअल कम्युनिकेशन मीन्स जब इंडिविजुअल हम कम्युनिकेट करते हैं ईमेल या लेटर राइटिंग है वो क्या है पर्सनल कम्युनिकेशन है ओके इंडिविजुअल कम्युनिकेशन है मास कम्युनिकेशन होता है जब एक साथ हम हंड्रेड्स और थाउजेंड्स और जो लाख लोग हैं उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर पाते हैं उन्हें बोलते हैं मास मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन जैसे टी रेडियो न्यूज़ पेपर्स न्यूज़ चैनल्स यूट्यूब इंटरनेट ये सभी क्या है दीज आर द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन अब इसी मास कम्युनिकेशन के बारे में पूछा गया कि इसके थ्री एडवांटेज बताने फर्स्ट एडवांटेज है वी गेट लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थ्रू द मास कम्युनिकेशन मास कम्युनिकेशन से हमें लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती है हम खुद को अपडेट रख पाते हैं ओके हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से न्यूज़ चैनल से मिल रही है न्यूज़पेपर से मिल रही है इंटरनेट से इंटरनेट से मिल रही है तो ये क्या है मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन है सेकेंड जो एडवांटेज है मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन सच एज़ टी वी यूट्यूब एट्सेट्रा आर वेरी हेल्पफुल इन एजुकेशन टू आप ये वीडियो कहाँ देख रहे हो यूट्यूब के ऊपर देख रहे हो इंटरनेट के थ्रू देख रहे हो तो ये क्या है हमारी एजुकेशन में भी हेल्प करें ओके थर्ड एडवांटेज है मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन एंटरटेन अस ऑल्सो एंटरटेनमेंट होता है हम गेम्स भी खेलते हैं यहाँ पर इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के ऊपर यहीं पर हम मूवीज देखते हैं सॉन्ग्स देखते हैं सो वी आर गेटिंग एंटरटेनमेंट ऑल्सो तो ये एडवांटेज रहेंगे मास कम्युनिकेशन के नाउ लेट्स टू द सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर क्वेश्चन है हमारा डिस्क्राइब द एडवांटेज ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट के एडवांटेज बताने पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट इज द न्यूएस्ट ट्रांसपोर्ट अगर हम सभी से कंपेयर करें तो सबसे लेटेस्ट जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो पाइपलाइंस है पहले भी हम इसको यूज करते रहे हैं पाइपलाइंस को लेकिन किसके लिए जस्ट फॉर द वाटर सप्लाई बट एट प्रेजेंट वी आर यूजिंग दिस वन फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम गैस एट्सेट्रा उसके लिए भी हम इसको यूटिलाइज या यूज करें इसके एडवांटेज है फर्स्ट है द इनिशियल कॉस्ट ऑफ द पाइपलाइन इज़ हाई बट लेटर इट इज़ द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इनिशियल कॉस्ट यानी शुरुआत में जब हम पाइपलाइन को डालेंगे तब थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा होती है लेकिन बाद में ये चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है सेकेंड जो एडवांटेज है इट्स मेंटेनेंस कॉस्ट आर क्वाइट लो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है वो काफ़ी लो होती है भाई ना तो इसके टायर घिसने हैं ना ही इसके किसी प्रकार की सर्विस करवाने की इंजन में प्रॉब्लम आ गई ओके तो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है वो काफ़ी लो रहती है थर्ड एडवांटेज कंटिन्यूस सप्लाई इज़ पॉसिबल विदाउट इंटरप्शन फ्रॉम द पाइप लाइन से कंटिन्यूस सप्लाई विदाउट एनी इंटरप्शन है वो पॉसिबल है देर इज स्ट्राइक है या फिर वेदर्स की प्रॉब्लम है कि बारिश आ गई फ्लड आ गई ऐसी कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होती है फोर्थ एडवांटेज इट कैन बी लेट एनी वेयर इन हिली एरियाज और अंडर द सी इनको कहीं पर भी बिछाया जा सकता है चाहे वो हिली एरिया हो डिफ़िकल्ट टेरेन या फिर वो अंडर सी हो तो वहाँ पर भी इसको बिछाया जा सकता है तो ये एडवांटेज रहेंगे पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट के नाउ लेट्स टू द थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर जो आपके लास्ट टेन ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में आप चेक करोगे तो फाइव टू सिक्स टाइम रिपीट हो चुका है क्वेश्चन है रोड ट्रांसपोर्ट मोर इंपॉर्टेंट देन रेल ट्रांसपोर्ट वाई रोड ट्रांसपोर्ट है वो रेल ट्रांसपोर्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है वाई क्यों हमें बताना है फर्स्ट है द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड इज लो अगर हम रेलवे से कंपेयर करें तो उनके कम्पेरिजन में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है मेंटेनेंस कॉस्ट है वो काफ़ी लो रहती है रोडवेज की सेकेंड रोड कंस्ट्रक्शन कैन आल्सो बी डन इन द इनएक्सेसिबल और अन इवन एरियाज जैसे हिली एरियाज हैं तो वहाँ पर रेलवे का डेवलपमेंट होना इतना ईजी नहीं है जितना कि रोडवेज का आपने देखा होगा कि मूवीज़ में एटलीस्ट जरूर देखा होगा अगर जाने का मौका नहीं मिला तो वहाँ पर नेरो जरूर होती है तंग जरूर होती है लेकिन सड़कें बनी होती है तो डिफिकल्ट जो टेरेंस है वहाँ पर भी जो रोड ट्रांसपोर्ट है रोड्स है वो कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं बट इट इज़ नॉट पॉसिबल ऑफ द रेलवे ट्रांसपोर्ट की बात करें रेलवेज की बात करें तो उसका वहाँ पर कंस्ट्रक्शन है वो पॉसिबल नहीं होता थर्ड एडवांटेज है इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर शॉर्ट डिस्टेंस हमें नोकड़ तक जाना लाला की दुकान तक जाना है धनिया लेकर के आना है अमूल लेकर के आना है भाई हम अंबानी ही क्यों ना हो एयरवेज से थोड़ी जाएंगे कैसे जाएंगे स्कूटी बाइक को उठाएंगे या शॉपिंग के लिए जाना तो ओला उबेर से जा सकते हैं गाड़ी लेके जा सकते हैं सो so, जो शॉर्ट डिस्टेंसेस हैं वहाँ तक जाना हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो रोड ट्रांसपोर्ट ही रहेगा सेकेंड इट इज़ द मोस्ट फोर्थ की अगर बात करें इट इज़ द मोस्ट इंपोर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर लेस पीपल और लेस कोर्ट्स अगर हम uh, कुछ लोगों को जाना है कहीं पर ओके okay. या फिर थोड़ा सामान ले कर आना है तो उसके लिए हम ट्रेन लेके नहीं जा सकते उसके लिए कैसे जा सकते हैं हम रोडवेज से जा सकते हैं तो थोड़ी यानी कि कम लोगों के लिए या फिर कम सामान लेके आना है तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है दैट इज़ दिस वन रोड ट्रांसपोर्ट फिफ्थ रोड ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विस डोर टू डोर सर्विस सिर्फ यही ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है अब आपका घर है उसका दवार थोड़ा सा गेट थोड़ा सा चौड़ा होना चाहिए यहाँ घर क्यों आपके बेडरूम तक जा सकता है आपका बाइक स्कूटी गाड़ी जबकि एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन या पोर्ट वो हर जगह नहीं हो सकते ओके सो दिस वन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एडवांटेज जो रेलवे से बेटर है दैट इज दिस वन प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करते हैं सिक्स एडवांटेज है इट एक्ट्स एज ए लिंक बिटवीन द अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रेलवेज या एयरवेज या वाटरवेज अब पोर्ट एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन हर जगह नहीं हो सकते अब वहां पर कैसे रोडवेज से ओके okay. तो ये रहेंगे इसके एडवांटेज या फिर यू कह लीजिए कि द रेलवे रोडवेज आर कंस्टर्ड बेटर और मोर इंपॉर्टेंट द रेलवेज हमें एक्सप्लेन करना है तो ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है नाउ लेट्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन है प्रोग्रेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ अ कंट्री इंडिकेट्स द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ दैट कंट्री एनालिसिस दिस स्टेटमेंट किसी भी कंट्री के जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसकी प्रोग्रेस उस कंट्री के इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी को दिखाती है यानी कि उसकी इकोनॉमी उतनी बेटर होगी जितना उसका इंटरनेशनल ट्रेड बेटर होगा कैसे हमें एनालिसिस करना है इस स्टेटमेंट को यानी कि हमें बताना है इंटरनेशनल ट्रेड के किसी भी कंट्री के लिए एडवांटेज क्या होते हैं ओके फर्स्ट वन है फॉरेन एक्सचेंज इज ऑपटेन फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेंड से हमें और uh, इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसे हमें फॉरेन एक्सचेंज प्राप्त होता है पहले तो ये समझ लीजिए कि ये ट्रेड क्या है ट्रेड मीन्स द एक्सचेंज ऑफ थिंग्स यानी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट है वो ट्रेड का ही पार्ट होते हैं ट्रेड है वो दो टाइप का हो सकता है नेशनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड नेशनल ट्रेड मीन्स द ट्रेड विद इन द कंट्री जैसे यूपी टू बिहार और यूपी टू दिल्ली, यूपी टू हरियाणा हरियाणा टू राजस्थान के बीच में जो भी ट्रेड हो रहा है तो वो नेशनल ट्रेड है इंटरनेशनल ट्रेड जो दूसरे देशों के साथ हो रहा है द ट्रेड बिटवीन टू और मोर देन टू कंट्रीज है उसको कहेंगे इंटरनेशनल ट्रेड लाइक दैट ऑफ आर ट्रेड विद नेपाल भूटान जापान जर्मनी तो वो इंटरनेशनल ट्रेड है तो उसका एडवांटेज बताने पहला जो एडवांटेज है फ़ोन एक्सचेंज इज ऑप्टेंड फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड से हमें फ़ोन एक्सचेंज यानी कि हमें नेशनल इनकम है वो इंक्रीज होती है पैसा मिलता है एक्सपोर्ट करेंगे कोई भी चीज़ तो भाई पैसा मिलेगा हमें सेकेंड एडवांटेज है इंटरनेशनल ट्रेड

अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड नहीं करें तो क्या होगा उसका ख़राब हो जाएगा या फिर रेट्स डाउन जाएंगे लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड करें तो क्या कर सकते हैं एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो इसमें जो एक्सेस प्रोडक्शन है उसका एडजस्टमेंट हो जाता है फोर्थ एडवांटेज resource है इट हेल्प्स इन मैनेजिंग द रिसोर्स प्रॉपरली रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपर्ली मैनेज हो पाते हैं जैसे रिसोर्स आर अनलिमली डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वल नहीं है कुछ रिसोर्सेज किसी कंट्री में मिलेंगे कुछ दूसरी कंट्री में मिलेंगे अब इसमें क्या होगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे और मैनेज कर लेंगे उनको ओके फिफ्थ इट एक्सपेंड्स द मार्केट मार्केट वो एक्सपेंड होती है अब इंडियन जो प्रोडक्ट है इंडियन प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन द अफ्रीकन मार्केट ऑल्सो इन द अमेरिकन मार्केट ऑल्सो तो अब इंडियन प्रोडक्ट को वो मार्केट कैसे मिली थ्रू द इंटरनेशनल ट्रेड तो मार्केट है वो ज़्यादा फैल जाती है सिक्सथ एडवांटेज रहेगा सिक्सथ एडवांटेज है दिस इंश्योर्स अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज गुड्स और सर्विसेज है उनकी अवेलेबिलिटी है वो इंश्योर होती है इंटरनेशनल ट्रेड से फॉर एग्जाम्पल वी आर इन द नीड ऑफ पेट्रोलियम अब हमारे यहाँ पे पेट्रोलियम का प्रोडक्शन काफ़ी कम है तो हमें मंगवाना पड़ता है कैसे आता है जस्ट बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड ओके सेलफोन्स जो आपके हाथ में इनमें से मोस्टली जो सेलफोन्स है वो इंडियन कंपनीज नहीं है मल्टीनेशनल कंपनीज के ये प्रोडक्शन है इनका मेड इन चाइनल लिखा हुआ अब तक कैसे पहुंचा थ्रो द इंटरनेशनल ट्रेड ओके सो दीज आर द एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड नाउ लेट्स मू टू द फिफ्थ क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया हाउ इज टूरिज्म हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी एज ए ट्रेड और इंडस्ट्री टूरिज्म है इकोनॉमी के डेवलपमेंट में एज ए ट्रेड या इंडस्ट्री कैसे हेल्पफुल है यानी यहाँ पे हम बताएंगे व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ टूरिज्म टूरिज्म के एडवांटेज क्या है ओवरऑल हम वो डिस्कस करेंगे यहां पर फर्स्ट एडवांटेज है फोन एक्सचेंज इज ऑप्टेन फ्रॉम टूरिज्म से भी हमें फोन एक्सचेंज विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है अब भाई फॉरनर आएंगे घूमने के लिए आएंगे तो अच्छा खासा पैसा वगैरह भी खर्च करेंगे इससे क्या होगा नेशनल इनकम है वो बढ़ेगी इनक्रीज होगी सेकेंड एडवांटेज इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू मिलियंस ऑफ पीपल्स मिलियंस ऑफ पीपल्स आर इंगेज इन दिस इंडस्ट्री टूरिज्म इंडस्ट्री में लगे हुए हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे से तो इससे उन लोगों को काम धंधा भी मिला हुआ है थर्ड एडवांटेज है इट लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ ए लोकल एरिया लोकल एरिया जहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट है टूरिस्ट प्लेस है उसका डेवलपमेंट होता है राजस्थान की इकोनॉमी की बात करें जैसलमेर बाड़मेर भाई बिल्कुल भी कृषि नहीं होती एग्रीकल्चर नहीं होती पूरी इकोनॉमी है वो इसी के ऊपर डिपेंड है सेम विद जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड तो वहाँ की इकोनॉमी भी इसके ऊपर डिपेंड होती है उसके बाद फोर्थ जो एडवांटेज है टूरिज्म का दैट इज़ हैंडलूम इंडस्ट्रीज़ आर डेवलप्ड बाय टूरिज़्म हैंडलूम इंडस्ट्रीज़ है वो डेवलप होती है क्योंकि जब टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं तो वो जो लोकल इस प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं उनको खरीदने में इंटरेस्टेड होते हैं हम भी ऐसा ही करते हैं करते हैं ना तो इससे हैंडलूम इंडस्ट्रीज़ है उसको भी बूस्ट मिलता है फिफ्थ एडवांटेज है म्यूचुअल कनेक्शन ऑफ डिफरेंट एरियाज विथ टूरिज़्म बिकम स्ट्रॉन्ग जो म्यूचुअल कनेक्शन है हमारे अलग अलग एरियाज के साथ डिफरेंट कंट्रीज के साथ वो बेटर होते हैं बॉन्डिंग बेटर हो जाती है हमारी सिक्सथ एडवांटेज है टूरिज्म लीड्स टू द कल्चरल डेवलपमेंट कल्चरल डेवलपमेंट भी होता है बिकॉज वी गेट द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर्स कल्चर हम एक दूसरे कल्चर को बेटर तरीके से समझ पाते हैं सो कल्चरल डेवलपमेंट भी होता है सो दीज वर द एडवांटेज ऑफ टूरिज्म जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का नाउ लेट्स मोट सेगमेंट सेकंड सेगमेंट जो इस वर्कशीट का उसमें दिए गए हमें पार्ट रहेंगे फर्स्ट पार्ट है वट डू यू अंडरस्टैंड बाई डेंसिटी, ये रोड डेंसिटी क्या होती है हमें एक्सप्लेन करना द टोटल लेंथ ऑफ रोड पर हंड्रेड स्क्र किलोमीटर इज कॉल्ड रोड डेंसिटी यानी कि टोटल लेंथ ऑफ द रोड्स पर हंड्रेड स्क्र किलोमीटर किलोमीटर हंड्रेड एंड हंड्रेड ये हो गया हंड्रेड स्क्यर किलोमीटर तो इसमें टोटल जितनी रोड की लंबाई होगी उसे बोलेंगे रोड डेंसिटी इन इंडिया इट इज़ हाइस्ट इन केरला रोड डेंसिटी वो हाइएस्ट केरला में है एंड लोएस्ट इज इन जम्मू कश्मीर नाउ लेट्स टू द सेकेंड पार्ट जो सेकेंड पार्ट दिया गया वट इज़ द टोटल रोड डेंसिटी ऑफ जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर की टोटल रोड डेंसिटी क्या ये हमें बताना इट इज़ जस्ट 12.14 किलोमीटर पर हंड्रेड स्क्वेयर किलोमीटर ये लोएस्ट है हमारे कंट्री में नाउ लेट मो टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन थर्ड पार्ट है मैंशन द चैलेंज फेस्ड बाय द इंडियन रोड्स इंडियन रोड्स की कुछ समस्याएं हमें बतानी हैं फर्स्ट जो चैलेंज है अकॉर्डिंग टू द ट्रैफिक द रोड नेटवर्क इज इन सफिशियंट ट्रैफिक के अकॉर्डिंग जिस तरीके से ट्रैफिक है वो इंक्रीज हुआ है लास्ट ट्वेंटी ईयर्स में उसके अकॉर्डिंग रोड्स है वो कम पड़ गए हैं फोर्थ चैलेंज है अबाउट हाफ ऑफ द रोड्स आर अनमेटल्ड हमारे लगभग 50 परसेंट रो, रोड्स हैं वो अनमेटल्ड है कच्ची सड़कें हैं कच्ची सड़कों का मतलब है कि वो बारिश के दिनों में काम की नहीं रहती है थर्ड चैलेंज है रोड्स इन द सिटीज आर आरनेर सिटीज में आप देखते हो कि वहाँ पे जाम की सिचुएशन रहती है आप दिल्ली में अगर रहते हो तो आपने पुरानी दिल्ली की तरफ आप गए होंगे चांदनी बाज़ार में चांदनी चौक की तरफ गए होंगे तो वहाँ पे जो पुराना बाजार है तो वहाँ पे कितनी तंग सड़कें ऐसी है पुराने शहरों में तो वहाँ पर जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी है वैसे वैसे ये सड़कें हैं वो कम तंग होती गई है फोर्थ चैलेंज है द रोड ब्रिज आर ओल्ड और नैरो जो रोड जो रोड के ब्रिज हैं यूपी बिहार में आपने देखे होंगे तो वो पुराने हैं या फिर नैरो भी हैं सड़कें जरूर चौड़ी हो गई हुई कुछ जगह पर लेकिन पुल अभी भी वही बने हुए हैं तो ये भी एक चैलेंज है नाउ लेट्स मोटू द फोर्थ एंड द लास्ट पार्ट ऑफ सिक्स क्वेश्चन सजेस्ट सम मेजर्स फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ रोड्स इन इंडिया हमें कुछ सजेशन देने ताकि हमारे यहाँ पे रोड्स हैं वो इम्प्रूव हो सके फर्स्ट सजेशन रहेगा अनमेटल रोड्स शुड बी कन्वर्टेड टू द मेटल रोड्स जो अनमेटल रोड है कच्ची सड़कें उनको पक्की में कन्वर्ट किया जाना चाहिए सेकेंड सजेशन है नीड ऑफ मोर डेवलपमेंट ऑफ हाईवेज हाईवेज है उनका डेवलपमेंट और ज़्यादा होना चाहिए ओके okay. थर्ड है बाईपास रोड शुड बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम आउटसाइड सिटी एंड टाउन्स जो छोटे शहर हैं या बड़े शहर हैं उनके बाहर से बाईपास रोड्स हैं उनकी ज़रूरत है ताकि शहर में ट्रैफिक है उसको कम किया जा सके तो ये रहेंगे हमारे सजेशन तो ये थी हमारी आज की एक इम्पोर्टेंट लेकिन ईजी वर्कशीट उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन के आंसर्स है वो ठीक से समझ में आए हुए अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो जिसका लिंक आपको स्क्रीन के ऊपर विजिबल है साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसके साथ साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो भाई क्यों ज्वाइन करें क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाते वीडियोज़ के क्योंकि ट्वेंटी आवर्स में केवल थ्री नोटिफिकेशन ही मिल सकते हैं और मोस्टली ये होता है कि जैसे संडे को या मंडे को आपके पूरे वीक की वीडियोज़ है वो पब्लिश हो जाती है आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे उन ट्वेंटी आवर्स में ओनली थ्री तो वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगा फर्स्ट सेकंड ये होगा कि आपके डाउट्स वगैरह है वो वहाँ पर आप इजीली ले पाओगे आज के लिए बस इतना ही थैंक यू बाय बाय हैव ए नाइस डे